हाँ सर, हाँ पीछे पुष्कर पीछे जाओ, पुष्कर की लग रहे किसी के हाथों से जो है तो कुछ लोगों को नमस्कार दोस्तों, रामनगर एसोसिएशन और एकता मंच है हमारे दोस्त जितने भी इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग ये मुहिम को आगे ले जा रहे हैं, मानवता का काम कर रहे हैं, इतनी सेवा का काम कर रहे हैं, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप जैसे और लोग सामने आए ताकि ऐसे मौके की घड़ी पर हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनकी हेल्प कर सकें, हम इस काम को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा अपन पीछे हो जाते तो मिलेगा डिस्टेंस, थोड़ा पीछे हो जाओ ना, लुक इन द कैमरा प्लीज, वन मिनट। थैंक यू शबनम जी से गुजारिश करो, एक आने के बाद जगह खाली कर दो, ये जब रिटर्न होंगे थोड़ा थोड़ा खाली आप लोग पीछे, थोड़ा सा पीछे हो जाओ ना प्लीज, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, जाइए बस, एक एग्जिट लेगा उसके बाद एक तो एंट्री दो। अजय कौल सर अपने कार्यकर्ता और अपने एकता मंच के बिहाफ में अब तक कई सैकड़ों कई हजारों लोगों को मदद करिए, उनके इस तरह के कार्य को आप क्या कहेंगे? कुछ कार्यों का शब्दों में रूपांतर मुश्किल होता है। अजय कौल जी और जो ये आरामनगर संस्था के लोग हैं और एकता मंच जो है, खासकर ये हमारे महान नेता या दानवीर जिन्हें कहें, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तारीफ ऐसे मौके पर भी, वो तारीफ वर्ड इज़ नॉट राइट, इनके अपने हर एक के अंदर अपना एक दिल होता है, वो दिल
अपने दिल तो धड़कता ही है लेकिन दूसरे के लिए धड़कना बहुत ज़रूरी है, तो इनका दिल दूसरों के लिए बहुत धड़कता है और आज आप देख रहे हैं कितने लोगों का यहाँ पर कल्याण होगा, मदद होगी और मैं इसका छोटा सा हिस्सा बन सका, मुझे उस बात की खुशी है। एंड अपने अपने तरीके से अगर हर इंसान, हर सिटीज़न जो है ऐसे काम करेगा तो इस दौर में, इस महामारी के दौर में, इस कोविड के दौर में, इस सारे दौर में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। हम किसी के जीवन में किसी की कमी को तो नहीं पूरा कर सकते लेकिन एटलीस्ट मानवता के नाते उनको हम इस बात का पैगाम पहुंचा सकते हैं कि कोई ना कोई है अजय कौल जैसा जी जो आपका मसीहा बनकर सामने आएगा। सर एक सवाल, साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो इस गति में कितनी तेजी आएंगी जो लोगों तक के राहत पहुंच रही है? देखिए जब नामांकित लोग कोई कॉज के साथ जुड़ जाते हैं तो यकीन उस कामों को काफी गति मिल जाती है। तो लगातार फिल्म बॉलीवुड की जगत के लोगों के साथ में भी लगातार आपका जो है मुंबई के अलग अलग एरियो में विस्तार होता जा रहा है, लोगों से अलग अलग तरीके से मदद करने है। जहाँ जहाँ लोगों को आवश्यकता है जिन चीज़ों की, जिन ज़रूरतों की, वहाँ वहाँ एकता मंच पहुँचने की कोशिश कर रहा है। सर सारे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस अभी एकता मंच के प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए जब भी बॉलीवुड के एक्टर या एक्ट्रेसेस कोई सोशल काम से जुड़ते हैं और उनका भी योगदान होता है तो वो एक तरह से लोगों में एक प्रोत्साहन करने की कोशिश करते हैं कि आज उन्होंने शुरुआत की है तो और लोगों ने भी इसी तरीके के काम करने चाहिए। अरे सर आज किस तरह से क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, कितने लोगों को और कितने मजदूर लोगों को? आज देखिए हमने क्योंकि कोविड का समय है, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए हमने कोशिश की है कि एक टाइम पे कम से कम 150 लोगों को फेजेस में बुलाया जाए और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और ये लगातार चलते रहेगा 3-4 दिन के लिए। सर आज क्या कहना चाहेंगे कि आज अजय, अशोक और अनुपम ये तीनों कश्मीरी पंडित एक जगह पर आकर लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं? सर देखिए हम इसे कश्मीरी पंडित का तो नाम नहीं देंगे, हम कहेंगे कि अच्छे लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। देखिए एकता मंच जिसके सरमायादार अजय कौल साहब हैं वो वैसे भी काफ़ी काम करते हैं पैंडमिक के अलावा भी, तो हमारे जितने भी रेसिडेंट्स एसोसिएशन हैं, जो फेडरेशन हैं, जो सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऑल उशरा लोखंडवाला के इलाके के, वर्सोवा के इलाके के, अंधेरी के जितने भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, ये सब मिल के ये काम कर रहे हैं। और जब आपको ऐसी गाइडेंस मिल जाती है एक ऐसे शख्स के साथ जो सिर्फ यही करता है, एक बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाने के अलावा, तो उनके साथ जब जुड़ जाते हैं तो काम अच्छा हो ही जाता है। तो पिछले 10 दिन से करीब करीब हम लोग सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, सारे इस इलाके में, कभी कल हमने सैनिटाइजर्स बांटे, मास्क बांटे वॉचमैन को, सिक्योरिटी पर्सनल को, मेड्स को, हाउसकीपिंग के स्टाफ को, उसके पहले हम और कुछ चीज़ बांट रहे थे, आज राशन बांट रहे हैं। तो आप देखिए जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है, इनको ज़रूरत है। और जब रेसिडेंट्स और जब सिटीजन्स, जब फेडरेशंस, जब एक एनजीओ, एकता मंच जैसा एनजीओ जब साथ में मिलकर काम करता है तो 100% वो सक्सेसफुल होता है और लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं, इतने मुश्किल टाइम में, इससे मुश्किल वक्त में भी लोग आपके साथ खड़े हैं और यह मुसीबत जो है जल्द से जल्द ख़त्म होगी। इसलिए आज अनुपम खेर साहब भी आए, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे भाई जैसे हैं, और वो भी अपने फाउंडेशन के द्वारा बहुत काम कर रहे हैं, हॉस्पिटलों में मशीनें बांट रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बांट रहे हैं, वेंटिलेटर्स बांट रहे हैं। तो अनुपम खेर फाउंडेशन भी आज हमारे साथ जुड़ गया ऐसे कामों में, तो बहुत इंकरेजिंग है, बहुत उत्साहित चीज़ है। और मुझे लगता है कि लोगों को इंस्पायर होना चाहिए अजय कौल साहब की तरह या एकता मंच की तरह, जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और बाकायदा लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करना चाहिए।